नमस्कार, मैं जेसिका अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मिशन शक्ति का पांचवा चरण कल से सबल बनेंगी बेटियां। सीएम योगी कल शुरू करेंगे मिशन शक्ति का पांचवा चरण। 10 लाख बालिकाओं को मिलेगी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर सशक्त बनाएगी। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मिशन शक्ति के पांचवें चरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान 10 अक्टूबर तक विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। मई 2025 तक चलने वाले पांचवें चरण में 10 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा और जीवन कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पीएम श्री योजना के तहत चयनित 167 विद्यालयों में करियर काउंसलिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही बालिका शिक्षा और स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। मिशन शक्ति का यह चरण महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाएगा। जम्मू कश्मीर में किंग मेकर बन सकते हैं इंजीनियर राशिद, 16 सीटों पर खास प्रभाव। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है और अब नई सरकार के स्वरूप को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। मतदान के बाद माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में शायद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में इंजीनियर राशिद किंग मेकर बन सकते हैं। इंजीनियर राशिद 5 साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे और जेल से ही लोकसभा चुनाव जीत गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले वह जमानत पर जेल से बाहर आ गए और चुनाव प्रचार में भाग लिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 16 ऐसी सीटें हैं जिन पर इंजीनियर राशिद का प्रभाव माना जाता है। शायद यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी तक कश्मीर घाटी की क्षेत्रीय पार्टियां राशिद इंजीनियर की अवामी इत्तेहाद पार्टी से आशंकित रही हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से बड़ी सियासी हलचल, 2020 की कहानी रिपीट होने की अटकलें। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना में कहा कि मैं चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं या मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन लगेगा कि संविधान के साथ और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा जैसे मेरे पिता ने मारा था। चिराग पासवान के इस बयान को ये सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण के मामले में कोर्ट ने कानून में बदलाव की बात की थी तो मेरे पिता ने विरोध किया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पिता की बात सुनी थी। इससे पहले चिराग पासवान ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए से अलग होकर लड़ा था। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में चिराग पासवान के इस बयान से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान से पूर्व भाजपा में उठा पटक तेज, कांग्रेस के भी कई नेता दिखा रहे तेवर। हरियाणा में आगामी 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इस बीच बीजेपी जहां फिर सरकार दोहराने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा की हैट्रिक को रोककर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। राज्य में दोनों प्रमुख दलों में जोर आजमाइश के बीच सत्तारूढ़ भाजपा में उठापटक तेज हो गई है। भाजपा ने मतदान से पहले 8 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने भी बगावती तेवर दिखा रहे 15 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। हिजबुल्ला को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में इसराइल, शुरू किया ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो। इसराइली सेना ने हिजबुल्ला को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में हिजबुल्ला के सैन्य ढांचे को निशाना बनाते हुए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसराइली सेना ने कहा कि हिजबुल्ला की उन सभी साइट्स को टारगेट करने के लिए सीमा पार की है जहां से उत्तरी इसराइल के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसराइल ने इस ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरो नाम दिया है। यह ऑपरेशन आगे की स्थिति का आकलन करते हुए जारी रहेगा। इसके साथ ही इसराइल का लक्ष्य उत्तरी इसराइल के नागरिकों को उनके घरों में सुरक्षित वापस लाना भी है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि वह सैन्य अभियान आगे बढ़ाएंगे और पश्चिम एशिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इसराइल नहीं पहुंच सकता। पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद का बड़ा खुलासा, इजरायली एजेंट बन गया था ईरान की खुफिया यूनिट का चीफ।
इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरानी खुफिया एजेंसी के शीर्ष स्तर पर घुसपैठ करने में सफलता हासिल कर ली थी। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमद जीनेजाद ने खुलासा करते हुए कहा कि ईरानी जासूस इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए डबल एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। न्यूयॉर्क सन की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व ईरानी राष्ट्रपति ने दावा किया कि मोसाद ने ईरानी खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में अपने जासूस को बैठा दिया था जो सारी जानकारी इसराइल को दे रहा था। अहमद जीनेजाद ने कहा कि ईरान के खुफिया मंत्रालय में काउंटर इसराइल यूनिट का प्रमुख एक इसराइली एजेंट था। मोसाद के ऑपरेशन का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल करना था। अब सलमान खान की फिल्म सिकंदर में नजर आएंगी वरुण धवन की भतीजी बिन्नी एंड फैमिली से किया डेब्यू। बॉलीवुड स्टार वरुण धवन की भतीजी अंजनी धवन ने बीते 27 सितंबर को रिलीज हुई फिल्म बिन्नी एंड फैमिली से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। इस बीच कहा जा रहा है कि अंजनी धवन अब सलमान खान की फिल्म सिकंदर में नजर आएंगी। जल्दी वो फिल्म सिकंदर की शूटिंग शुरू करेंगी। माना जा रहा है कि अंजनी धवन फिल्म सिकंदर की अहम कड़ी होने वाली हैं। शायद इसीलिए मेकर्स ने अभी तक उनके रोल को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। फिल्म सिकंदर में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना, सुनील शेट्टी, सत्यराज और काजल अग्रवाल प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।